अच्छा से अब बोला है बोला अच्छा से नहीं समझ पाई ये राक्षस है या मेरा पति है। धोखा से उस नीच ने धोखा से बानी चने की यो सती संभोग और प्रकट है गयो अंत में पापी को सही से राक्षस ने धोखा से बानी चने और कियो सती संभोग और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने राक्षस को देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई, खड़ी की खड़ी रह गई। बोले कमीन तू, अरे ये तूने क्या कर दिया, तूने तो मुझे मौत दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी, मैं अपने पति को मौत कैसे दिखाऊंगी। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, लेकिन अब मैं तो श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। अब बोलिए वो मामा देखा कि तेरा हुई है सत्यानाश धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। कहने लगी जो पहले रेखा ने अगर ये बात हमें पहले पता होती तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। और राक्षस कहने लगा है पवन रेखा रो नहीं भाई, जो होना था वो तो हो गया, अब रोने और चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हां एक बात जरूर कहना चाहेंगे पवन रेखा, अभी तक तुम्हारे लड़का नहीं हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती है वो कैसा लड़का होगा, बोले जानती, अरे तेरे जैसा राक्षस तो होगा, बोले हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो लड़का कैसा होगा तो